thus Dosto, we had read Bob to be, bhab to have, infinity with Bob to be, infinity with bhab to have. But today we have to read bhab to be, Bob to have, infinity with bhab to be, infinity with bhab to have. You can see at board, this is Bob to be, is RM, was, will be, is called, bhab to be, have as had, will have, is called, bhab to have, and is to M to R2, was to will be, to is called, infinity with Bob to be. एंड हैव हैज हैव ट वह गरीब है तो वह का क्या होता है ही इज पुअर अगर आपको इसी को पास्ट में कहना है कि वह गरीब था तो आपको बोलना ही वाज पुअर अगर आपको कहना है वह गरीब होगा तो ही विल बी पुअर जैसे मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ ये सेंटेंस किस में परजेंट में है तो ये टू बी से आपको बनाना है मैं खुश हूँ तो मैं क्या होता है आई उसके साथ आप लगाएंगे एम खुश का क्या होता है हैप्पी तो आई एम हैप्पी कहना कि आप खुश है तो यू आर हैप्पी वह खुश है तो ही इज हैप्पी इसी को आपको पास्ट में बोलना है तो आप बोल सकते हैं मैं खुश था आई वॉज हैप्पी वह खुश था ही वॉज हैप्पी आप खुश थे यू आर हैप्पी देखिए फिर से समझिए मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी मैं खुश रहूँगा आई विल बी हैप्पी तो ठीक चलिए प्रेस्ट कर लेते हैं अगर आपको निगेटिव इस पर बनाना है कहना है कि मैं खुश नहीं हूँ आई एम नॉट हैप्पी ये सेंटेंस प्रजेंट में तो इज आर एम से बनाएंगे मैं खुश नहीं हूँ आई एम नॉट हैप्पी कहना है कि मैं खुश नहीं था तो आई वॉज नॉट हैप्पी मैं खुश नहीं रहूंगा तो आई वॉन्ट बी हैप्पी ऐसे पढ़े थे हम लोग फिर इसका रिविजन हम लोग कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन पूछना था तो ये जा रहे इजा सबको बाहर निकाल देते थे और सब्जेक्ट बोलते इन सबको बोल के फिर सब्जेक्ट पूछते थे तो हमारा क्या हो जाता था क्वेश्चन हो जाता था देखिए कहना है क्या आप खुश हैं तो आर यू हैप्पी और कहना है क्या आप खुश थे ये पास्ट में चला जाता वो वर यू हैप्पी क्या आप खुश रहेंगे विल यू बी हैप्पी इसी से बनता है जैसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम वाट इज आपका नाम क्या है वाट इज योर नेम ये भवटूबी से बनता है ये प्रजेंट में फिर आपको कहना है कि आपका नाम क्या था इसी को पास्ट में बनाना हो आपको तो व्हाट वज योर नेम आपका नाम क्या होगा इसी को फ्यूचर में कहना हो तो व्हाट विल बी योर नेम अब देखिए ये हो गया हमारा अब देखिए इन्फिनी विथ इसी में देखिए भाव टू भी में हम लोग इन्फिटी विथ टू भी वन को जोड़ देते हैं तो इन्फिनी विथ भॉप टू बी हो जाता है हमारा कौन सा टॉपिक सॉरी पहले पढ़ लेते हैं भॉप टू हैव उसके बाद देखते हैं इन्फिनेटिव विथ भॉब टू भी देखिए भॉब टू हैव क्या शो करता है ये ये शो करता है इंक्लूडिंग ऑफ एनी मतलब किसी के पास कोई चीज है तो ये भॉब टू हैव से आप बनाएंगे जैसे कहना है कि मेरे पास पैसा है तो मेरे पास है ना जब भी आपको लगे किसी के पास कोई चीज़ है तो आप सीधे फोकस करेंगे इन भॉप टू हैव पर जैसे देखिए मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी आपके पास पैसा है यू हैव मनी उसके पास पैसा है ही हैज मनी को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो बोल सकते हैं मेरे पास पैसा था तो आपको बोलना है हैड आई हैड मनी अब मेरे पास पैसा होगा तो ये फ्यूचर में चला गया तो आई विल हैव मनी देखिए फिर से एक बार समझिए आपके पास मोबाइल है तो ये प्रजेंट में है तो आपको इससे बनाना है आपके पास मोबाइल है तो यू आपका क्या होता है यू हैव मोबाइल यू हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल है इसी को कहना पास्ट में आपके पास मोबाइल पा, था तो यू हैड मोबाइल आपके पास मोबाइल था कहना कि आपके पास मोबाइल होगा तो आपको बोलना है आपका होगा यू विल हैव बोलना है यू विल हैव मोबाइल चलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं फिर से कि मेरे पास मोबाइल है आई हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल है यू हैव मोबाइल उसके पास मोबाइल है ही है ही हैज मोबाइल सॉरी कहना है कि शिवम के पास मोबाइल है सीवम हैज़ मोबाइल आपके पास मोबाइल है यू हैव मोबाइल मेरे पास मार्कर है आई हैव मार्कर आपके पास मोबाइल है यू हैव मोबाइल उसके पास पैसा है ही हैज़ मनी मेरे पास पैसा है आई हैव मनी मेरे पास बोर्ड है आई हैव बोर्ड आपके पास पैसा है यू हैव मनी जो भी है जो चीज़ भी हो आपके पास वो है बोल दीजिए जो चीज़ है उसको बोल दीजिए हो जाएगा देखिए इसको अगर पास्ट में बोलना है मेरे पास मोबाइल था आई हैड मोबाइल आपके पास मोबाइल था यू हैड मोबाइल उसके पास मोबाइल था ही हैड मोबाइल मेरे भाई के पास मोबाइल था माई बोदर हैड मोबाइल मेरे पास पेन था आई हैड पेन मेरे पास गन था आई हैड गन गन आपके पास गन था यू हैड गन उसके पास गन था ही हैड गन ऐसे बोल सकते हैं आई विल हैव किसी के पास कोई चीज होगा मतलब फ्यूचर में होगा मेरे पास जैसे कोई कल्पना करता है मेरे पास ये ये होगा तो विल हैव का आप यूज करेंगे जैसे कहना मेरे पास मोबाइल होगा तो मेरे पास होगा तो मेरे का क्या बोलेगा आई आई विल हैव बोलना है आई विल हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल होगा यू विल हैव मोबाइल उसके पास मोबाइल होगा ही विल हैव मोबाइल कहना है कि वो राहुल के पास मोबाइल होगा राहुल विल हैव मोबाइल जो कुछ भी होगा आपको विल हैव बोल देना जो जो आपके पास होगा विल हैव बोल दीजिए हो जाएगा अगर निगेटिव आपको बनाना हो तो क्या लगाते हैं डोंट लगा सकते हैं जैसे कहना है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है आई डोंट हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल नहीं है यू डोंट हैव मोबाइल ये पढ़ चुके थे हम लोग फिर इसका हम रिविजन कर रहे हैं शॉर्टकट में हम बता रहे हैं आपके पास निगेटिव बोलने के लिए डोंट का यूज़ करते हैं डोंट डजन्ट का इससे मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आई डोंट हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल नहीं यू डोंट हैव मोबाइल उसके पास मोबाइल नहीं है ही डजनट हैव मोबाइल इसके पास्ट में होता है तो डिंट बोलते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं था आई डिंट है आई डिंट हैव मोबाइल आपके पास मोबाइल नहीं था यू डिंट हैव मोबाइल उसके पास नहीं था ही डिंट हैव मोबाइल ठीक है इसको वॉन्ट बोलते हैं जैसे मेरे पास कार नहीं होगा आई वॉन्ट कार आपके पास कार नहीं होगा यू वॉन्ट कार मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा आई वॉन्ट हैव लैपटॉप ये होगा इंफिनिटी विथ सॉरी भव टू है हम लोग देख ली अब हमको देखना है इन्फिनी विथ भॉप टू भी देखिए भव टू बी यहाँ भी भॉप टू भी है यहाँ भी भव टू भी है और केवल क्या जोड़ना है हम लोग को इन्फिनीटिव भॉब टू बी में जोड़ देना है मतलब इन्फिनेटिव किसको कहते हैं टू भी वन को हम लोग इन्फिनीटिव बोलते हैं देखिए इसमें सब में टू लग गया है तो इन्फिनी विथ टू बी कौन कौन होता है ईस टू एम टू आर टू वाइस टू व टू विल बी टू इस टू एम टू आर टू वाइस टू वर टू विल बी टू देखिए इसका एनी वर्क गोना है पेन ये क्या करता है इस सोच एनी वर्क गोना है पेन मतलब कोई काम होने के लिए जा रहा है तो आप इंफ्रीटी विथ वॉप टू बी का यूज करेंगे जैसे मैं कहूँ कि मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो आप जाने वाले हैं यू आर टू गो ये सारे सेंटेंसेस किस में प्रजेंट में पहले आपको देख लेना है वो परजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में जैसे मैं कहूँ मैं खाने वाला हूँ तो ये प्रजेंट में है तो आप इस टू एम टू आर टू का प्रयोग करेंगे इसमें वाला आता है सेंटेंस करने कोई भी काम होने वाला है जैसे मैं कहूँ कि मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो आप जाने वाले हैं यू आर टू गो वह जाने वाला है ही इज टू गो इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में बोलूँ कि मैं जाने वाला था तो आई वॉच टू गो आप जाने वाले थे यू वर टू गो इसी को मैं फ्यूचर में बोलू मैं जाने वाला रहूँगा आई विल बी टू गो आप जाने वाले रहेंगे यू विल बी टू गो अगर आपको निगेटिव बोलना है तो नॉट लगा देते हैं जैसे बोलते हैं मैं नहीं जाने वाला हूँ आई एम नॉट टू गो मैं नहीं जाने वाला था आई वॉज नॉट टू गो मैं नहीं जाने वाला रहूंगा आई वॉन्ट बी टू गो ऐसे होता है अगर क्वेश्चन पूछना हो आपको क्या आप जाने वाले हैं आर यू टू गो क्या आप आने वाले हैं आर यू टू कम क्या आप आने वाले थे वर यू टू कम क्या आप पढ़ने वाले थे वर यू टू रीड आपको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है आप जान लें अब देखिए नेक्स्ट बनता है हमारा इन्फिनिटी विथ भॉब टू हैव मतलब इसमें हम लोग अब टू भी वन जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है इन्फिनिटी विथ भॉब टू हैव देखिए हैव टू हैज टू हैड टू विल हैव टू इस ये बड़ा यूजफुल होता है टॉपिक इन्फिनिटी विथ भॉब टू हैव जैसे कहना है कि ये क्या शो करता है कंपल्सन और ड्यूटी इनफिनिटी विथ हव टू हैव यूज टू शो कम्पल्सन और ड्यूटी किसी की कंपल्सन और ड्यूटी दिखाता है जैसे कहना है कि कंपल्सन मीन्स किसी को कोई काम करना पड़ता है तो वो कंपलसन हो गया कोई किसी को कोई काम करना है तो वो ड्यूटी हो गया तो इससे जब ये आए सेंस आपको तो ये इसका यूज कर सकते हैं जैसे आपको कहना है कि मुझे खाना है तो ये आपका ड्यूटी है खाना है आई हैव टू रीड ये प्रजेंट में है तो आई हैव टू ईट सर अगर ये इसी को कहना है कि मैं मुझे खाना पड़ता है तो एक कंपलसन हो गया तो खाना पड़ता है तो भी बोलेंगे क्या आई हैव टू रीड उसको खाना पड़ता है ही हैव टू सॉरी ही हैज टू ईट जैसे कहना है कि आपको पढ़ना है यू हैव टू रीड मुझको पढ़ना है आई है उसको पढ़ना है ही हैजू रीड या कहना हो कि मुझे खाना पड़ता है या मुझे पढ़ना पड़ता है मुझे पढ़ना पड़ता है तो भी अब बोलेंगे आई हैव टू रीड ऐसे को कह दें मुझे पढ़ना पड़ता था पास्ट में हम लेके जाएं तो आई हैड टू रीड बोलना है आपको मुझे पढ़ना पड़ेगा आई विल हैव टू रीड देखिए फिर से एक बार रिपीट मुझको बोलना है तो मुझको बोलना है तो आई हैव टू स्पीक आ मुझे बोलना था आई हैड टू स्पीक अब मुझे बोलना होगा आई विल हैव टू स्पीक फिर से एक बार देख लेते हैं कहना आपको निगेटिव इस पर बनाना हो कहना कि मुझे नहीं खाना है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू ईट ये पढ़ा चुके हैं तो उसमें डोंट का यूज़ करते थे चाहे बोल सकते हैं आई हैव नॉट टू ईट नॉट का भी लगा यूज़ कर सकते हैं निगेटिव के लिए डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं कहने की मुझे नहीं जाना है आई डोंट हैव टू गो आपको नहीं आना है यू डोंट हैव टू कम इसी को पास्ट में बोलना है तो आपको डिंट बोलना है यू डिंट हैव टू कम मुझे नहीं जाना है आई हैव टू गो अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा आई वॉन्ट हैव टू गो या मुझे नहीं जाना होगा आई वॉन्ट हैव टू गो देखिए ये वाला सेंटेंस बहुत यूजफुल होता है विल हैव टू आपको भाई साहब आपको तो पढ़ना पड़ेगा तो इससे बोलेंगे तो यू विल हैव टू रीड आपको तो खेलना पड़ेगा यू विल हैव टू प्ले आपको हंसना पड़ेगा यू विल हैव टू लाफ ये वाला बहुत यूजफुल होता है मैं इसको बहुत यूजफुल यूज use करता हूँ जब बोलने के टाइम में देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी मैं खुश था आई वॉज हैप्पी मैं खुश रहूँगा आई विल बी हैप्पी मैं जाने वाला हूँ आई एम टू गो मैं जाने वाला था आई वॉज टू गो मैं जाने वाला रहूँगा आई विल बी टू गो मेरे पास पैसा है आई हैव मनी मेरे पास पैसा था आई हैड मनी मेरे पास पैसा होगा आई विल हैव मनी मुझे जाना है आई हैव टू गो या मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो मुझे जाना था आई हैव टू गो मुझे जाना होगा आई विल हैव टू गो या आप मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो अगेन आई विल आस्क क्वेश्चन यू प्लीज गिव मी आंसर आर यू हैप्पी आई एम हैप्पी आर यू फाइन आई एम फाइन व्हाट इज़ योर नेम माई नेम इज राहुल कुमार वट वाज़ योर नेम माई नेम माई नेम राहुल वाट विल वट विल your name be um, my my name will be rahul what will your name be okay next topic is are you to go i am to go are you to love i am to love when are you to love i am to love 5 o mm. were you to have were you to play uh, i was i was to play were you to dance i was to dance next हैं हम लोग

I will have to run. When will you have to run? आपको कब दौड़ना पड़ेगा? I will have to run in the morning. Hmm. Guys, next topic होगा हमारा tense. कल हम लोग देखेंगे tense. What is tense and which you